अज साडे मानयोग डीजी साहब के दिशा निर्देश से स्पैशल नाकाबंदी का ऑपरेशन चलाया जा रहा है सारे स्टेट के उधर डीजी साहब ने स्पैशल ऑर्डर के उत्ते सारी फोर्स को असं मोबिलाइज किया चाहे साडा ऑफिस स्टाफ है चाहे वह यूनिट्स के है यू विंग है ईवन वूमेन सैल वगैरह जो फोर्स असं कट के तुम देख रहे हो कि किस तरह एक स्ट्रोंग नाकाबंदी की जा रही है जिन्ना कि मैसेज क्रिमिनल्स में क्लीयर जाता कि असी पंजाब के यहोजी निकल नहीं सकते किसी जगह तो भी तो वे वक्त वक्त जिले के ए डी जी लैवल तो लैके डी आई जी लैवल तक ऑफिसर की ड्यूटी लाई गई है वो डी जी साहब खुद भी अच्छ उन्होंने रोपड़ आप आके नाका चैक किया मोनीटर किया और दिशा निर्देश दिए है मेन यदा परपज़ है कि लोगों के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जाए तो क्रिमिनल्स को डर पैदा होए कि असी कानून में तोड़ के वो गिरफ्त तो बाहर नहीं रह सकते उस सिलसिले से सारा जी कार्रवाई की जगह आप मोहाली जिले की गल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ किन्ने के नाके लगे ने मोहाली के 32 नाका ने जी तो मतलब सारा एस एस पी साहब अपनी अलग एरिया गए पहले खरड़ असी कट्ठे ही सके वो हम डेराबसी साइड चैक कर गए मैं मोहाली सिटी के आ गया और मैं अपनी रेंज भी आए सारे फतेहगढ़ साहब फिर इधर रोपड़ सारे उधर भी चक्कर मार के आया और बहुत इफेक्टिव नाकाबंदी हो रही है ये असं मेन गल ये देख रहे कि क्वालिटेटिव काम हो गए जे कोई फैमिली नाल जा रहा वो बंदे नूं असी नहीं टारगेट कर रहे जिहड़ियां गड्डियां सस्पिशियस ने लोग ट्रैवल कर रहे उन्होंने किया जा रहा और ईवन डॉग जिहड़ा नारकोटिक वाला भी कई जगह असी प्रेस किया सर्विस वो बेसिक कारण यह है कि एक बंदा ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहा है चाहे कोई बस है या कार है या कोई भी व्हीकल है वो निकल ना सके जिसे आप लॉ एंड ऑर्डर की गल करते हैं कि खास प्रिकॉशन देखो बिल्कुल पूरे पुख्ता इंतजाम होंगे और बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी इन प्लेस होगी 15 अगस्त लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए जिस तरह की मोहाली के गैंगस्टर का होनी जिस तरह जीरकपुर की गल करते हैं कई वारदात सामने आई थी तो उन्होंने लैके लॉ एंड ऑर्डर के विचार नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखो तुहाडे सामने ही है जितने भी रिजल्ट है सारी मीडिया में भी पता है पब्लिक में भी पता ए जी टी एफ के फॉर्मेशन तो बाद जो तो मानयोग सीएम साहब ने बनाई वो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मानयोग डी जी साहब के दिशा निर्देश से बड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं जीरकपुर वाले घटना का भी तुम्हें सारा पता है मैं खुद ब्रीफ किया कितना एक्टिव होकर पुलिस काम कर रही है और ये किसी ने भी सिर चुकने की इजाजत नहीं दी जाऊगी क्रिमिनल एलीमेंट में जो कानून अनुसार कार्रवाई उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।